अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। आई एम योर इस्लामियात टीचर एंड दिस इज़ योर इस्लामियात बुक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर टेक्स्ट कॉपीज। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चैप्टर पढ़ा था और आज हम इसके अपनी कॉपी के अंदर सवाल जवाब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास पहला सवाल है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबू अल अंबिया क्यों कहा जाता है? जवाब में आप लिखेंगे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबू अंबिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आप ही की नस्ल में पैदा हुए। ओके, दूसरा सवाल है आपके पास, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो क्या हुआ? जवाब में आप लिखेंगे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग ठंडी और सलामती वाली बन गई और आप अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचा। ठीक है, तीसरा सवाल आप लिखेंगे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को क्या कहा जिस पर वो लाजवाब हो गया? जवाब में आप लिखेंगे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि मेरा रब सूरज मशरिक से निकालता है तो तू मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, चौथा सवाल लिखें, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतखाने में बुतों के साथ क्या किया? जवाब में आप लिखेंगे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतखाने में जाकर बुतों को तोड़ दिया और सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। ठीक है, पांचवा सवाल आप लिखेंगे, नमरूद कौन था? जवाब में आप लिखेंगे, नमरूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का बादशाह था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 115। ओके, सवाल नंबर 3 है आपके पास, बताएं ये जुमले किसने कहे? ठीक है, जुमले लिखे हुए हैं, हमें ये बताना है कि ये जुमला किस किसने कहे थे। ठीक है, पहला जुमला है आपके पास, हज़रत मेरे अब्बा जान, आप ऐसे चीज़ की पूजा क्यों करते हैं जो ना देखता है और ना सुनता है? ठीक है, ये किसने बोले थे जुमले? ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोले थे। तो इनके आगे क्या आ जाएगा बॉक्स के अंदर? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लिख देंगे। ठीक है, दूसरा है आपके पास, ए इब्राहिम तू अपनी हरकत से बाज आ जाओ वरना मैं तुझ पर पत्थर बरसाऊंगा। ये किसने कहे थे? ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहे थे, तो उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर, अज़र बिन नाहूर। ठीक है, तीसरा है आपके पास, मेरा रब अल्लाह है जो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी। ये किसने कहा था? ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, तो हम उनके आगे नाम लिख देंगे उनका। ठीक है, फिर है आपके पास, मैं भी ज़िंदगी और मौत देता हूँ। ये किसने कहा था? ये नमरूद ने कहा था जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके पास इस्लाम की दावत लेकर गए थे। ठीक है, फिर है आपके पास, इब्राहिम क्या तुम हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुमने की है? ये किसने कही थी? ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने बात कही थी। ठीक है, ओके, आखिरी है आपके पास, फिर तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? ये किसने कहा था? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था जब उन्होंने उनके बुत तोड़ दिए थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर ये यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।